नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો જમાવટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારોની સફર પર આપને લઈ જવા મારી વિશેષ રજૂઆત મુઠ્ઠીમાં દુનિયા સાથે હું છું મયુરી। જોઈએ દુનિયાની 10 મહત્વની તસવીરો। ટાઇટેનિક જહાજનો કાટમાળ જોવા માટે રવિવાર સાંજથી જે સબમરીન ટાઇટન એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં ઉતરી હતી અને લાપતા થઈ હતી, રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં તેનો કાટમાળ મળી આવ્યો છે। અમેરિકાના કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે આ સબમરીનમાં સવાર તમામ 5 મુસાફરો દરિયામાં જ મોતને ભેટ્યા છે। જો કે કોઈ મુસાફરોના હજુ સુધી અવશેષો મળ્યા નથી। અમેરિકા અને કેનેડાની નેવી અને કોસ્ટ ગાર્ડ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે। टाइटन सबमरीन की दुर्घटना में मौत ने भेटेला 5 मुसाफरो में पाकिस्तान मशहूर बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और तेमनो पुत्र सुलेमान पण हता। हवे विगतो एवी सामे आवी छे के 19 वर्षीय सुलेमान नी आ टाइटेनिक एक्सपीडिशन में जवानी बिल्कुल इच्छा न हती। तेने टाइटेनिक ना काटमाळना वीडियो जोया बाद थी ज डर लागी रह्यो हतो, परंतु तेना पिता एकला न जाय ए माटे ते तेमनी साथे गयो हतो। फाधर्स डे वीकेंड पर टाइटेनिक ना काटमाळने जोवानी शहजादा दाऊदे योजना बनावी हती अने तेमनी अपेक्षा हती के आ ट्रीप दरमियान पिता पुत्र वच्चेनो संबंध मजबूत बनशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए सतत बीजी वक्त अमेरिका की संसद ने संबोधन कर्यु। पोताना एक कलाकना संबोधन में भारत और अमेरिका वच्चेना संबंधों पर बोलता तेमणे कह्युं के एआई एटले अमेरिका और इंडिया। तेमणे कह्युं के मार्टिन किंग ल्यूथर और गांधी भारत और अमेरिका पर प्रभाव छे। भारत लोकशाही माता छे। भारत में बोलियों, भाषा, खानपान, संस्कृति में विविधता छे। टूंक समय में भारत विश्व की तीजी सौथी मोटी अर्थव्यवस्था बनी जशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन वच्चे द्विपक्षीय बातचीत थी, जे पछी तेमणे व्हाइट हाउस में संयुक्त निवेदन आप्युं हतुं। जे दरमियान एक खूब ज महत्वनी जाहेरात थी कि अमेरिका भारतना बे महत्वना शहरों अमदावाद अने बेंगलुरु में कॉन्स्युलेट खोलशे। भारतमांथी अमेरिका जवा मांगता लोको माटे आ मोटी राहतना समाचार छे। संयुक्त निवेदन दरमियान पीएम मोदीए कह्युं कि भारत अमेरिकानी भागीदारी विश्व माटे महत्वपूर्ण छे। भारत अमेरिकाना संबंधोना इतिहासमां आ निर्णयना कारणे एक नवो अध्याय शरू थयो छे, एक नवी दिशा अने ऊर्जा मळी छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना अमेरिका प्रवासथी भारत ने वधु एक फायदो थयो छे। इंडियन एरफोर्सना फाइटर जेट ने जनरल इलेक्ट्रिक एटले के जीई एंजीन मळशे। एटले के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अने अमेरिकानी कंपनी जीई एरोस्पेस वच्चे कॉन्ट्राक्ट थयो छे। आम तो पहले थी तेजस एरक्राफ्ट में F404 एंजीन सप्लाय थई रह्यो छे, परंतु हवे भारत अने अमेरिका बंने देशों में संयुक्तपणे F414 जेट एंजीन उत्पादन थशे। अमेरिकाना पूर्व प्रमुख बराक ओबामाए वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना अमेरिका प्रवास पर एक महत्वनुं निवेदन आप्युं। अमेरिकानी मीडिया संस्था CNN ने आपेला इंटरव्यू में बराक ओबामाए कह्युं छे कि जो पीएम मोदीनी मारी साथे मुलाकात थई होत तो हूँ भारत में लघुमतीओनी सुरक्षानो मुद्दो तेमनी सामे उठावत। हूँ तेमने कहत कि जो लघुमतीओ साथे अन्याय थई रह्यो छे तो ते भारत ने नुकसान करी शके छे। जो बाइडने पण आ मुद्दो पीएम मोदी सामे उठावो जोईतो हतो तेवुं बराक ओबामाए निवेदन आप्युं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीओ में होली की उजवणी पर मुकवामां आवेलो प्रतिबंध आखरे पाछो खेंचायो छे। पाकिस्तानना उच्च शिक्षण आयोगे आ प्रतिबंध मुकाव्यो हतो, परंतु पाकिस्तानना शिक्षण प्रधान राणा तनवीर हुसेने आ प्रतिबंध पाछो खेंचवानो शिक्षण आयोगने आदेश आप्यो। पाकिस्तानी मीडियाए आ निर्णयनी भारे टीका करी हती। अहेवालोमां एवुं लखायुं हतुं कि पाकिस्तानी सरकार जाणे भूली गई छे कि होळी अने दिवाळीनो तहेवार सिंधी संस्कृतिनो महत्वनो हिस्सो छे अने सिंध प्रांत पण पाकिस्तानो ज एक भाग छे, जे पछी शिक्षण प्रधाने प्रतिबंध परत खेंचवानो आदेश आप्यो। अमेरिकानी अंतरिक्ष संस्था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एटले के नासाना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एटेमिस एकॉर्ड्स में भारत पण हवे जोड़ाशे। व्हाइट हाउसना सूत्रों अने केटलाक मीडिया अहेवालों मुजब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024ना आ मिशन में भारत अने नासा बंने संयुक्तपणे काम करशे। आर्टेमिस एकॉर्ड्स ए चंद्र पर मानव जीवन शोधवा माटेना विशिष्ट संशोधन परनो एक कार्यक्रम छे, जेमां भारत पण हवे भागीदारी करशे। उत्तर पूर्व चीनना लियाओनिंग प्रांतमां एक स्टील बनावती कंपनीनी मिलमां ब्लास्ट थयो। आ दुर्घटनामां 4 लोकोना मौत थया, ज्यारे 5 लोको इजाग्रस्त थया छे। मिलनी मशीनरीमां टेक्निकल खराबीना कारणे ब्लास्ट थयो होवानुं प्राथमिक तपासमां बहार आव्युं। स्थानिक पोलीस आ घटनानी तपास करी रही छे।
मुंबई ब्लास्टना आरोपी सीएएम बशीरनी कैनेडा एरपोर्ट पर धरपकड़ करी लेवाई छे। महाराष्ट्र पोलीसे तेना प्रत्यार्पणनी मांग करी छे। भारत सरकारे तेने पकड़वा इंटरपोल थी आंतरराष्ट्रीय रेड कॉर्नर नोटिस बहार पड़ावी हती। आ सीएएम बशीर मूल केरळनो छे, ते पोते एरोनॉटिकल एंजीनियर छे। मुंबईमां एर इंडियामां एंजीनियर तरीके तेनी नौकरी पण हती। जो के ते केरळमां आतंकवादी संगठन सीमी साथे जोड़ायो हतो अने युवानोने कट्टरपंथी बनावाना कार्यक्रमों ते सीमी साथे करतो हतो। 90ના દાયકામાં કેરળમાં જેહાદી સંગઠનો ઉભા કરવામાં તેની ખાસ ભૂમિકા રહી છે। વર્ષ 2002 અને 2003ના મુંબઈ બોમ્બ બ્લાસ્ટનો તે મુખ્ય આરોપી છે। તો આવા અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારો અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું। આપ જોડાયેલા રહો જમાવટ સાથે। નમસ્કાર।